हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग नेचुरल ब्यूटी एंड नेचुरल पावर को काम पे लेते हुए जो कुछ एक्टिविटी हो रहे उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉगिंग बनाएंगे और एक एक्टिविटी को भी उसका साथ कैचअप करेंगे। अभी आपका सामने जो रिवर दिखाई दे रहे है, गंगा रिवर है और हम लोग अभी जहाँ पे है ये माटियाड़ी गाँव है जो गंगा रिवर का पास में लोकेटेड है। और आज का ब्लॉगिंग में मेरे को हेल्प करने वाला है, मेरा साथ देने वाला है मिस्टर जॉन जो अभी झूला पे झूल रहे हैं। चलिए नौकों पे चढ़ते हैं और रिवर का मज़ा लेते हैं। आपको तो पता ही है हम लोगों ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तीन तरह का होता है, एक एयर, वाटर और रोड। सो, अभी इंडिया में ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ज़्यादा काम पर लिए जाते हैं और रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, देन वाटर। जितना हो सकता है आप वाटर सप्लाई का थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए, इन लोगों को प्रमोट कीजिए और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प कीजिए। हम लोगों का पास वाला नो ऑलरेडी छोड़ चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं हम लोगों का नो कब छोड़ेगा। अभी आपका सामने जो बड़ा सा स्टीमर दिखाई दे रहा है ये बड़ा बड़ा व्हीकल्स को इस साइड से उस नदी का उस पार ले जाने में हेल्प करते हैं। इन लास्ट हम लोगों का भी नाव छोड़ चुका है और पानी के ऊपर से बहुत ज़ोर से चल रहा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और पानी का फ्लो देखते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलिए आप भी देखिए। और हम लोग का नाव का पास से एक नाव गुजर रहा है जो बाली का सप्लाई कर रहा है, बाली उठा के पहाड़ में जाके रख रहा है। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है एक बॉडी टाइप का है, इसका तीनों तरफ पानी ही पानी है। और ये सामने जो चीज़ पड़ा हुआ है इसका थ्रू नौका रुकता है, इसको पानी में फेंक देने से नौका अटक जाता है और आगे नहीं जा पाता है। और सामने जो आपको पानी का मिडिल पे जो बांध टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है ये मछली को डाइवर्ट करने के लिए लगाया गया है, जो इसका थ्रू मछली साइड में आ जाए और जो मछली फिशरमैन है वो पकड़ सकते हैं मछली को। इसके लिए पानी का बीच में कुछ लगाया गया है। और हम लोग जब नौपे पे सवारी कर रहे थे तो पास्ट वाला पैसेंजर हम लोग को बोला साइड में कुछ गंगा स्नान चल रहा है तो आप वो देख सकते हो, तो मैं उसके लिए निकल गया और हम लोग देखने चला गया जी कहाँ कैसे गंगा स्नान हो रहा है। तो चलिए आप भी देख लीजिए। आपको शायद यहीं से पता चल रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का गैदरिंग है जो गंगा स्नान कर रहे हैं और सुबह का टाइम है, बहुत लोग स्नान कर रहे हैं उस साइड। तो पास में जितना जा रहे हैं उतना लोग ज़्यादा लग रहा है। नहाना एक प्राइवेसी का बात होता है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा फुटेज नहीं लिया क्योंकि सामने वाला बंदे को भी शर्म आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने नहाने का वीडियो नहीं बनाया। नौके से उतरने के बाद रोड का साइड में सारे सन्यासी लोग बैठा हुआ है जो गॉड का पिक्चर सामने लेते हुए, और हर कोई चावल आलू और पैसा भी दे रहे हैं और
सामने जो दुकान भी दिखाई दे रहे हैं, ये सन्यासी लोगों का ही दुकान है जिसमें रुद्राक्ष वगैरह मिल रहे हैं। और ये वाला दुकान पे स्नेक का कुछ स्कल्प सेल हो रहा था। आई डोंट नो किस काम पे लगता है, बट इधर सेल भी हो रहा था, आप देख ही सकते हो। जो भी शरणार्थी यहाँ पे नहाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको पूरा खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है और इधर रहने सोने बैठने के लिए भी कैंप लगाया गया है। और जो भी नहा रहे हैं, तो इधर नहाने के बाद कपड़ा सुखाने के लिए ज़मीन पे पूरा कपड़ा सुखाने दिए हैं। तो ये अंदर का थोड़ा सा फुटेज था। सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा कीर्तन सुन के चलिए। Follow me, but they're